हेलो एवरीवन, आइए कुछ और लैंग्वेजेस के लिए हम लोग ग्रामर बनाते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी स्टार, और मुझे इसके लिए एक ग्रामर बनाना है। तो ग्रामर कैसे बनेगा? इसमें हमें ए और बी से बनने वाली सारी सारी लैंग्वेजेस, और सॉरी, ए और बी से बनने वाली जो सारी लैंग्वेजेस हैं, सारी स्ट्रिंग्स हैं, वो उसमें आएंगी। इसका मतलब इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, डबल ए बी भी हो सकता है। सो कोई भी कॉम्बिनेशन जो ए और बी से बनेगा वो ये जनरेट करेगा। एप्सिलॉन भी होगा इसमें, ये हमें इंश्योर करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस, हमें चूंकि स्मॉल ए स्मॉल बी एप्सिलॉन इन सभी के लिए हमें इसको प्रोड्यूस करना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस, या स्मॉल बी कैपिटल एस, या एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि हम इससे प्रोड्यूस करा सकते हैं ए, इससे प्रोड्यूस करा सकते हैं बी, और जहां पे भी हमें स्टॉप करना है उसके लिए हम एप्सिलॉन लगा देंगे। तो लेट्स से हमें डबल ए बी प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हमने कहा कि एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस, और इस कैपिटल एस से फिर से हम कहते हैं स्मॉल ए कैपिटल एस, और इस एस से हम कहते हैं स्मॉल बी कैपिटल एस, एंड फ्रॉम दिस वी से लेट्स से एप्सिलॉन। सो क्या प्रोड्यूस हुआ? स्मॉल ए स्मॉल ए बी एप्सिलॉन। तो स्मॉल ए बी एप्सिलॉन का मतलब है स्मॉल ए बी, इसका मतलब कि हमने डिराइव कर लिया। तो ये हमारा एक ग्रामर हो गया जिससे हम इस टाइप की लैंग्वेज ए प्लस बी होल स्टार ए प्लस बी क्लीन क्लोजर टाइप की लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को यूज करते हुए, मतलब कि ए प्लस बी स्टार वाला यूज करते हुए, हम लोग कुछ और लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक लैंग्वेज है, एंड द लैंग्वेज सेज दैट इट हैज द स्ट्रिंग्स एंड W इज द एलिमेंट ऑफ ए बी स्टार। इसका मतलब है कि इसमें ए और बी कैरेक्टर्स ही होंगे, अल्फाबेट्स ही होंगे, और लेंथ ऑफ बी इज एग्जैक्टली 2। सो एग्जैक्टली 2 वाले कौन से हुए? ए बी, यही स्ट्रिंग्स होंगे, बी ए एंड बी बी। सो अगर आप इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहें, सो द रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी डबल ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी। सो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। अगर इसमें हम ए को कॉमन लें, सो इट इज ए ए प्लस बी, और अगर हम यहाँ पे बी को कॉमन लें, सो दिस विल बी ए प्लस बी। राइट हैंड साइड में अगर आप ए प्लस बी कॉमन ले लें, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा ए प्लस बी। तो दिस इज ए प्लस बी और ए प्लस बी। इसका मतलब है कि या तो ए प्लस या तो ए या तो बी, एंड फॉलोड बाई या तो ए या तो बी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन तो मेरा बन गया है। अगर मैं इसके लिए एक ग्रामर बनाऊं, तो हम कह सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस डबल ए। क्यों डबल ए? क्योंकि ये भी सेम, ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो अगर एक सिंबल इसको जनरेट कर रहा है, तो वही सेम सिंबल इसको भी जनरेट करेगा। सो व्हाट डज ए प्रोड्यूस इन दिस केस? ए या तो ए प्रोड्यूस करेगा या बी प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल ग्रामर। एक बार फिर से अगर हम इसको देखें, ए प्लस बी दोनों सेम है। अगर एक सिंबल ए प्लस बी जनरेट कर रहा है, तो दूसरा सिंबल भी ए प्लस बी जनरेट करेगा, इसीलिए हमने एस प्रोड्यूसेस ए ए लिखा। एंड व्हाट विल ए प्रोड्यूस? आइदर ए और बी, इसीलिए ये इसका ग्रामर है। मान लीजिए कि हमसे एक लैंग्वेज गिवन है, हमें एक लैंग्वेज गिवन है, एंड दैट लैंग्वेज इज डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज एलिमेंट ऑफ ए बी स्टार, मतलब कि अल्फाबेट सेट में केवल ए और बी है, और लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो अगर लेंथ ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि दो लेंथ वाले तो सारे कैरेक्टर्स, सारे स्ट्रिंग्स इसमें होंगे ही होंगे, साथ ही साथ तीन वाले भी होंगे, चार वाले भी होंगे, पांच वाले भी होंगे। सो ये एक इन्फिनेट लैंग्वेज होगी। ओके, तो दो तो इसमें होना ही होना है, दो तो तय है कि होगा, लेकिन दो के बाद और भी हो सकता है। तो अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन एक छोटा सा लिखने की कोशिश करें, सो द रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी ऑफ टाइप ए प्लस बी एंड देन ए प्लस बी का क्लीन्स क्लोजर। दो होंगे तो इससे जनरेट हो जाएगा, दो से ज्यादा होंगे तो इससे जनरेट होगा,
एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू और मोर विल बी एक्सेप्टेड बाई दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर मुझे इसके लिए ग्रामर लिखना है तो बड़ा ही सिंपल तरीका है इसके लिए ग्रामर लिखना। आपने ऑलरेडी दो सिंबल को जनरेट करने के लिए एस प्रोड्यूसेस डबल ए लिखा हुआ है, तो ये ए है, इसको भी ए मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये बी है। तो एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, कैपिटल ए एम बी। आपको पता है कि दो सिंबल्स तो कंपलसरी हैं, तो इसीलिए कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो यहाँ से ए या बी आ जाएगा, यहाँ से ए और बी आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा था कि बी कैसे जनरेट करेगा। बी या तो स्मॉल ए जनरेट करेगा, या तो स्मॉल बी जनरेट करेगा, या फिर एप्सिलॉन जनरेट करेगा। तो अगर हमें ए को बढ़ाना है तो ये वाला प्रोडक्शन यूज कर लेंगे, बी को बढ़ाना है तो ये वाला प्रोडक्शन यूज कर लेंगे, नहीं बढ़ाना है, टर्मिनेट करना है तो हम एप्सिलॉन का यूज कर लेंगे। तो ये मेरा एक ग्रामर है गिवन लैंग्वेज के लिए। कोई स्ट्रिंग अगर हम इसकी ड्राइव करना चाहें, लेट्स से हम इसमें डबल ए बी को डिराइव करना चाहते हैं। सो डबल ए बी को कैसे हम डिराइव कराएंगे? एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए एंड बी। इससे हम ए जनरेट करा देंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में इसका नंबर, इससे भी ए जनरेट करा लेंगे। और हमें स्मॉल बी लाना है तो बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी का यूज कर लेते हैं, एंड देन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में इस बी को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हैं। सो डिराइवेशन में जो स्ट्रिंग जनरेट हुई डबल ए बी एप्सिलॉन, डबल ए बी एप्सिलॉन का मतलब है डबल ए बी, इसका मतलब है कि हमने ये स्ट्रिंग इससे डिराइव कर ली। सो दिस इज द ग्रामर फॉर द गिवन लैंग्वेज। सो दिस इज वेरी सिंपल टू डिराइव। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ एक और लैंग्वेज के लिए ग्रामर डिराइव करते हैं। लेट से मेरे पास ये लैंग्वेज है W, where W is the element of AB star. इसका मतलब है केवल A और B होंगे इस स्ट्रिंग में, एंड लेंथ ऑफ W इज लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब है, लैंग्वेज का सेट बना लेते हैं स्ट्रिंग वाला, कि जीरो लेंथ, अगर स्ट्रिंग की लेंथ हुई तो एप्सिलॉन आएगा, एक हुआ तो A आ सकता है, B आ सकता है, दो हुआ तो डबल ए AB या BA या BB आ सकता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी आ सकता है, सिंगल सिंबल ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और उसके बाद फिर दो सिंबल वाले तो हो ही सकते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि एस प्रोड्यूसेस टू सिंबल्स ए एंड ए, ओके, एंड देन व्हाट डस ए प्रोड्यूस? लेट्स से ए प्रोड्यूसेस आइदर ए स्मॉल ए और स्मॉल बी या फिर एप्सिलॉन। अगर ए एप्सिलॉन लेता है तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन एस प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब कि एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कि मुझे केवल स्मॉल ए लेके आना है तो मैं कैसे इसको एक्सपेंड करूंगा? एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल ए, दिस ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड दिस ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो इस तरह से डेराइवेशन में हमें स्मॉल ए मिलेगा। सिमिलरली हमें बी लाना है तो एस प्रोड्यूसेस ए ए करेंगे और ए हमारा बी प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए कि मुझे बी ए लेके आना है, सो एस प्रोड्यूसेस ए एंड ए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से पहला वाला जो ए है दैट विल प्रोड्यूस बी, एंड दूसरा वाला ए है दैट विल प्रोड्यूस ए, सो दिस नाउ प्रोड्यूसेस बी ए। सो इस तरह से कोई स्ट्रिंग बी ए हम इससे डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज दी ग्रामर फॉर द लैंग्वेज विच कंटेन्स विच हैज अ लेंथ, सॉरी, ग्रामर फॉर द लैंग्वेज इन विच द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम 2 और लेस देन और इक्वल टू 2। सो दिस वे वी कैन फॉर्म अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द गिवन रेगुलर लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।